अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। ये जी नया छत डल रहा है, पहले ज़रा लीक हो गया था, थोड़ा सा पानी लीक हुआ था, तो अब यहाँ पे नया छत डाल रहे हैं। ये फ्लैट छत है, इसकी जो है 25 साल की गारंटी देते हैं जी ये करके। तो ये जो आपको मटीरियल नज़र आ रहा है जो नीचे लगा हुआ, ये उखेड़ेंगे और इसकी जगह पे जो नया सामान आया हुआ है ये लगाएंगे। तो आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सारा करते हैं जी। हाँ, तो ये जी दरख्त है हमारे हमसायों का, वो बढ़ के हमारे छत पे आ गया था, तो ये उसकी बुशेज काट रहे हैं, काट के स्मॉल पीसेस करके तो गार्बेज में रखेंगे, तो ताकि सही जो है छत को सही वहाँ से काम करने में आसानी हो। तो ये वो मटेरियल है जो ये लगाते हैं जी छत पे, रबड़ का, और इसमें लुक मिक्स होती है, वो हीट दे के फिर ये लगाते हैं इसको जी। ये जी एक दरख्त था तो इन्होंने उसको काटा है साइड से, वो बहुत छत पे आ गया था, तो अब उस दरख्त को काट के फिर अब छोटे छोटे पीस करके लिफाफों में डाल रहे हैं ताकि इनको गार्बेज किया जा सके। पथरी तो आ रहे हैं कॉर्नर के, हाँ ये सिलेंडर से हीट देते हैं जी इनको। ये जो प्लास्टिक पड़ी हुई है इसको हीट दे के तो ऊपर लगा देते हैं। ये जी छत के जो कॉर्नर हैं उनको शीट लगी हुई है, उनको ज़रा साफ कर रहे हैं, उतार रहे हैं पुरानी वाली को। पुरानी पत्रियाँ उतार रहे हैं, फिर एंड पे जा के नहीं लगाए जी। काम शुरू हो चुका है जी, और ये अब क्लीनिंग कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनर से। ये कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, चार्जेबल है, तो ये बकाया मटेरियल आप जो है उसको रख रहे हैं ये, और जो गार्बेज है वो लिफाफों में बंद कर रहे हैं, बैग्स काले बैगों में, आगे नीचे फेंक के फिर वो गार्बेज में फेंक देंगे। सफाई हो रही है और ये शीटें बिछानी शुरू हो गई हैं, तो ये शीटें आप जो बिछेंगी इनको फिर ये हीट देंगे, और हीट को भी स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में मेरे घर में, तो हीट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो शीट बिछी हुई है इस पर 2-3 इंच की एक कॉर्नर पर ब्लैक पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर दूसरी जो शीट होती है वो रख देते हैं, और फिर इनको जो ये देखें जी हीट ऑन कर लिया इन्होंने, और इसमें आग निकल रही है लेकिन आवाज़ आ रही होगी आपको, लेकिन नज़र नहीं आ रही, कहीं कहीं थोड़ा सा शोला आपको नज़र आ जाएगा शायद आग का। तो अब ये जो है जी इसको हीट देना शुरू करके तो लगाना शुरू करेंगे, तो तरतीब वाइज लगाते हैं, जहाँ पानी ड्रेन होके एंड होके इकट्ठा होता है वहाँ से शुरू करते हैं, और ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं ताकि उस तरीके से पानी की ढलान इस पे आए तो कहीं रुके नहीं, रुके बगैर वो सीधी चली जाए अपनी जगह पे। ये है जी शीट पे देखें कैसे हीट दे रहे हैं। तो ये इनके जो सीनियर वर्कर हैं, ये बॉस है इनका, ये जो अभी कर रहा है ये अपने शूज़ के साथ देखें ये लगा हुआ है काम कर रहा है, तो ये दूसरा उसका अमला है, ये अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम दे रहे हैं। ये सारे स्पेनिश गए हैं तो इंग्लिश काम ही बोलते हैं, तो ये सारा काम इन्होंने 4-5 घंटे में जो है करके अपना फारिग हो गए, तो घरों में चले गए। काफ़ी स्पीड होती है क्योंकि प्रैक्टिस होती है डेली की इनको तो काम करने की। तो ये शीटें जो हैं ये सारी जो है इस तरह बिछा रहे हैं, ये अब दूसरी शीट लाइन जो है जी ये अब दूसरी शीट बिछा रहे हैं जी, तो वो एंड पे पहली वाली जो है तकरीबन एंड पे पहुंच गई है, तो अब ये दूसरी बिछाएंगे, इसको एंड पे एंड तक ले जाएंगे और फिर पीछे से इसको हीट देना शुरू करेंगे। तो ये जी इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो होप आप लोगों को भी ये
समझ आ रही होगी पसंद तो शायद आए कि नहीं आए, क्योंकि ये एक डिफरेंट ही कहानी है इसकी, एक डिफरेंट हार्ड वर्क है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है ये काम करना। लेकिन शौक़ हो तो इंसान ख़ुद भी कर सकता है, क्यों काफ़ी ये हार्ड वर्क है थोड़ा सा, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है खुद करना। मतलब अगर कोई थोड़ी सी भी बंदा हिम्मत कर ले तो काफ़ी सारी आप सेविंग कर सकते हैं। तो काम ये है जी, जो आपको नज़र आ रहा है ये हीट के पास थोड़ा सा जो जहाँ एग्जॉस्ट है, इसके पास थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इनको। बकाया तो सीधे सीधे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे ले जाते हैं और वहाँ पे जाके जोड़ लगा देते हैं। तो देखिए जी, आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट टू भी आ रहा है, दो तीन दिन में वो भी आ जाएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू।